YouTube पर एक टॉपिक बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है जिस पर मैंने आज तक वीडियो ही नहीं बनाया, लेकिन मेरे पास कमेंट्स बहुत आए इसके रिगार्डिंग कि YouTube पर थंबनेल सही तरीके से कैसे लगाते हैं, क्योंकि अगर आपको थंबनेल ही लगाना अच्छे से नहीं आता तो भैया फिर आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब वीडियो पर थंबनेल कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दूं कि थंबनेल लगाने के लिए आपके चैनल का वेरीफाई होना जरूरी है। बहुत सारे लोग जो नया चैनल बनाते हैं उनको एक्चुअल में नहीं पता, जो पहले से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो कोई काम की नहीं है, लेकिन जो नए चैनल बनाते हैं उनको कुछ नहीं पता होता। नया चैनल बनाते हैं उनको लगता है कि भाई हमारे तो थंबनेल लगाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। तो देखिए उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल क्रोम ऐप अपना ओपन करना है, डेस्कटॉप मोड पे जाना और अपना चैनल ओपन कर लेना। जैसे मैंने ये अपना दूसरा चैनल क्रिएटर गाइड ओपन कर रखा है। यहाँ पे जाने के बाद आपका लोगो, इस पे आपको क्लिक करना है और करने के बाद यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक करना है। अगर आप नहीं भी कर पाएंगे योर चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम यही पेज आ जाएगा। उसके बाद मैनेज वीडियो में जाना है। जैसे ही आप मैनेज वीडियो के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी एक सेटिंग, और ये एक ही बार करनी है, बार बार नहीं करनी, नया चैनल बनाया है तो ही करनी है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में आप देखिए, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे एक सेटिंग का ऑप्शन है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसको आपको क्लिक करना है, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे जनरल सेटिंग है, चैनल सेटिंग है, तो चैनल सेटिंग पे आपको क्लिक करना है। चैनल सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बेसिक इन्फो, एडवांस इन्फो, और यहाँ पे भाई साहब आ जाएगी आपका एक फीचर एलिजिबिलिटी, ये आ गई जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है फीचर एलिजिबिलिटी। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, इसको देख लीजिए कुछ इस तरीके का आएगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। जो दूसरा वाला जो हमारा फीचर है इंटरमीडिएट फीचर, यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियोज ओवर 15 मिनट एंड कस्टम थंबनेल एंड लाइव स्ट्रीमिंग, आप तभी कर पाएंगे जब आप सेकंड वाले जो ऑप्शन है उसको एलिजिबल कर पाएंगे। कैसे करेंगे जी, यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर है, तो फोन नंबर आपको डालना है, उस पर OTP आएगा, उससे वेरीफाई करना पड़ेगा। जब आप ये कर देंगे उसके बाद ही आपके तीन ऑप्शन खुलेंगे, एक तो 15 मिनट से बड़ी आप वीडियो लगा पाएंगे, एक थंबनेल लगा पाएंगे कस्टम थंबनेल, और एक लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। ये सेटिंग आपको एक बार करनी है, दैट्स इट। उसके बाद आपको जब भी थंबनेल लगाना है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है जी अपनी YT स्टूडियो ऐप के अंदर। तो चलिए जी हम भी चले जाते हैं, हमारी YT स्टूडियो ऐप किधर है, किधर किधर किधर। तो ये हमारी, जैसे मान लीजिए ये हमारी हो गई जी YT स्टूडियो ऐप, तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे देखिए मैं आ गया वीडियोस के अंदर, मान लो मुझे इस वीडियो के अंदर थंबनेल लगाना है, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे मैंने अभी ड्राफ्ट में डाल रखी है, यहाँ पे अनलिस्टेड है, कुछ भी है, आप थंबनेल लगा पाओगे। आपको यहाँ पे जो पेंसिल का निशान नजर आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और थंबनेल पहले ही बना लेना है। और हाँ, थंबनेल आप जब भी बनाएंगे तो उसका जो साइज है वो आप रखेंगे 1280x720, इस वाले रेजुलेशन में बनाना ताकि अच्छा बने, और थोड़ा HD क्वालिटी में क्लिकेबल थंबनेल बनाना, तभी वो काम करेगा। यहाँ पे पेंसिल है, इस पे आप क्लिक कर देंगे, कस्टम थंबनेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो थंबनेल है वो आप लगा देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला थंबनेल लगाना है, तो ये वाला थंबनेल लगा के मैं यहाँ पे डन कर दूंगा, डन कर दिया, मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। जैसे ही मैं सेव करूंगा मेरा थंबनेल वीडियो में लग जाएगा, लग गया है मेरा वीडियो में थंबनेल। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से थंबनेल लगा सकते हैं मोबाइल से अपनी वीडियो में, और थंबनेल अच्छा बनाइएगा ताकि आपको व्यूज मिले। और आपको ट्यूटोरियल पसंद आ गया तो भैया लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करो। इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।